ड्रीम से संबंधित मीनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम स्वप्न के बारे में मीनिंग पढ़ेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम डी आर ई ए एम ड्रीम ड्रीम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्वप्न। इस चीज़ को लगभग सभी लोगों को पता होगा, ड्रीम का मतलब सपना होता है। और फुलफिल ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न पूरा करना, स्वप्न पूरा करना। और आगे बात आती है ड्रीमी। ड्रीमी का मतलब क्या होता है? ड्रीमी का मतलब होता है स्वप्न से भरा हुआ। और दूसरा क्या होता है? विचारों में खोया हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई आदमी आप देखते हैं, अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपकी कोई बात जो है कभी कभी नहीं सुनता है। तो वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो स्वप्न से भरा होता है, विचारों में खोया हुआ होता है। ठीक है, अब आगे हम लिखते हैं डेड ड्रीम। अगर आता है डेड ड्रीम, स्वप्न का मतलब आप समझते हैं किसी चीज़, मतलब जो आप सोते तो आपको कुछ दिखाई दे, आप कुछ सोचिए तब आपको स्वप्न आते हैं। डेड ड्रीम का मतलब होता है दिन का स्वप्न। ओके, दिन का स्वप्न। ड्रीम का मतलब स्वप्न होता है, फुलफिल ड्रीम का मतलब स्वप्न पूरा करना, ड्रीमिंग का मतलब स्वप्न से भरा हुआ, विचारों में खोया हुआ, डे ड्रीम का मतलब दिन का स्वप्न। और एक मीनिंग है नाइटमेयर। जैसे कभी कभी आप डर जाते हैं, ऐसा स्वप्न आता है कि आप कभी कभी डर जाते हैं, डरते हैं ना, तो यहाँ पर नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना स्वप्न, मतलब डराने वाला स्वप्न, जिससे कि आप डर जाए उसे डरावना स्वप्न। इस वीडियो में हम इसी वीडियो की बात करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में।